नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। नियामतपुर के बीडीपी पाटिल से बैठे हुए हैं और हमारे सामने कोल्टी के बीडीपी के यंग ब्रिगेड हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही मशक्कत किया और इनकी मेहनत की वजह कर आज इन लोगों ने कोल्टी से बीजेपी को इतनी ह्यूज वोट से लीड दे पाई। आइए जानते हैं कि जब वो लोग मेहनत किया, क्या उन लोगों को उम्मीद था कि वो इतनी से लीड दे पाएंगे और फ्यूचर में हम लोग अब कोल्टी को भी कहाँ देखते हैं, क्या बीजेपी का कुछ काउंसिलर अब कोल्टी से होगा। इस सिलसिले में इन लोगों से बातें करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अंजय पासवान। आप? हमारा नाम शंकर यादव। अच्छा, शंकर। आपका नाम? हमारा नाम मनोज कुमार मिश्रा हुआ। मनोज कुमार मिश्रा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ पंकज साव। अच्छा, ये जब इलेक्शन जब शुरू हुआ तो क्या लग रहा था आप लोग की आसनसोल से इतने वोट से लीड दे पाइएगा? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि हम काफ़ी भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि सभी तृणमूल कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। पूरे बंगाल में जो तृणमूल के ने अवस्था बना के रखी है, सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तृणमूल को हटाया जाए। हमारी सीट तो हमें उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि 25 तक हमारी सीट आने वाली है, लेकिन उनके अपने गुंडागर्दी के कारण कुछ सीट हमारी कम हुई। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले 20 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि वोट बनाने की और 21 महीने साफ करना है। आप लोगों को वोट मिला किसके नाम पे मिला? लोगों ने क्यों चूज किया बीजेपी को? डेवलपमेंट, एक तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की नीति है उन पे हमें वोट मिला। हमने पूरे क्षेत्र में मोदी जी के तहत जो गैस हम लोगों ने बांटा, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे क्षेत्र में हमने देखा कि गैस से पूरे वंचित थे, जो चूल्हा में खाना बना रहे हैं, धुएं से जिनकी बीमार हो रहे हैं औरतें, ठीक है, उन लोगों ने देखा कि हाँ हमें वोट मिल रही है। मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक से त्रस्त थी, उन्हें मोदी जी के कारण उन्हें न्याय मिला। इन सभी कारणों से हमने देखा कि जो मुस्लिम बूथ में जो आज तक लोग कहते थे कि मुसलमानों की वोट भाजपा को नहीं मिलती थी, लेकिन इस इलेक्शन में साबित हो गया कि हमें मुसलमानों की वोट मिली, मुस्लिम को वोट आप लोगों को मिला। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हमारे बाबुल दा ने 995 करोड़ रुपये की जो पानी की स्कीम योजना लाई है, जिसके तहत आज तक कुल्टी में, आज तक पूरे कुल्टी के पूरे आसनसोल क्षेत्र में, जबकि हमारे चारों ओर एक ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसके चारों तरफ नदी है, लेकिन हमारे फिर भी हम पानी से वंचित थे। लेकिन आज बाबुल दा के कारण, बाबुल दा ने जो केंद्र के द्वारा 995 करोड़ रुपये लाया, इसके कारण आज बाबुल दा काम का वजह कर लोगों बिल्कुल 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 बाबुल दा जितने ने काम किया आज तक किसी सांसद ने, मुझे नहीं लगता कि किसी सांसद ने इस तरह काम किया। पहले लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, एजेंट को 4,000-5,000 रुपये देना पड़ता था, आज आसनसोल में ही हम पासपोर्ट बना लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिन्होंने बाबुल दा ने किया और करना चाह रहे हैं, लेकिन तृणमूल की सरकार करने नहीं दे रही है, लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पर आसनसोल में एक फ्लाईओवर बनाने चाह रहे हैं बाबुल दा, पिछले 3 साल से परेशान है कि वो फ्लाईओवर बनाए, जिससे जनता को जो पैसा लगता है इस बार वो बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगी। अच्छा चलिए, ठीक है। अंजय भाई हमारे साथ हैं। अंजय पासवान का जहाँ तक नाम आता है, आप एक बीजेपी का बहुत पुराना चेहरा है, आपको हम लोगों ने काफी स्ट्रगल करते देखा, क्या आपको उम्मीद था कि कुलटी से लीड दे पाएंगे आप लोग? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कुलटी हम लोग लीड कर रहे थे। हम शुरू से अपने भाइयों को बोल रहे थे कि कम से कम 55 से 60 हज़ार वोट से हम लोग कुलटी लीड कर रहे हैं, जो कि मैं, आप लोग जानते हैं कि शुरू से मैंने कुलटी में स्ट्रगल किया है, वार्ड वार्ड का भ्रमण किया है, सभी वार्डों के बारे में मैंने जानकारी ली है। तो और कुछ इलेक्शन के तरफ से चुनाव में मुझे कुछ दायित्व दिए गए थे दादा बाबुल सुप्रियो की तरफ से। कुलटी में 28 वार्ड में कितने वार्ड आप लोग लीड? कुलटी 28 वार्ड में हम लोग लगभग 25 वार्ड में लीड दिए हैं, 25 से 26 वार्ड में, 25 वार्ड में लीड दिए हैं, सॉरी 25 वार्ड में लीड दिए हैं। इवन जहां पर मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है, उज्जवल चटर्जी जहां के विधायक है कुलटी के, वार्ड नंबर 101 भी हम लोग लीड दिए हैं। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सफलता है। और आप लोग जब जीतने के बाद अपने एमपी से मिले, उन्होंने क्या कहा, पहला जुमला उनका क्या था? हमारे एमपी साहब एक ही बात बोले कि अपने अंदर घमंड कभी मत लाना, आम जनता, गरीब, महिला, बच्चा जितना है सबसे मिलकर रहोगे। जिस तरह तृणमूल सीपीएम को शासन से हटाने के बाद मार काट, दंगा, पुलिस के ऊपर टॉर्चरिंग, पुलिस को दबाव दे करके आम लोगों को परेशान करवाना, ये सब चीज़ तुम लोग मत करना। मोदी जी का आह्वान है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता से ही देश को पहचाने जाए, देश की पहचान हो। ये जो ह्यूज मैंडेट आप लोगों को मिला है, क्या लगता है हम लोग कुछ काउंसलर का चेहरा बीजेपी का देख पाएंगे? ऑब्वियसली हमारे इस बार
हमारा अपना बोर्ड होगा, अपना मेयर होगा, भाजपा का अपना बोर्ड होगा, अपना मेयर होगा। और जो कि आप जानते हैं कि इस बार कम से कम मेरा कैलकुलेशन था कि 22 से 23 सीट आएगा इस बार बंगाल में, किंतु गुंडागर्दी के कारण हम लोग का कुछ सीट माइनस हुआ है। फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोग, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं बंगाल के जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने भाजपा के ऊपर विश्वास किया है। अब हम लोग का समय आ गया है, अब हम लोग उनको जवाब देंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कैसा लगा जीत का? जीत का सेहरा तो हमको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए और अच्छा रहा। आप अपने वार्ड से कितना लीड दिए थे? हम अपने वार्ड से 1600 वोट से लीड दिए। 1600 वोट दिए। अच्छा, आपके वार्ड में क्या फैक्टर काम किया, लोगों ने क्यों वोट दिया? हमारे वार्ड में मोदी जी को प्लस बाबूदा को देख करके वोट दिए हैं। हमारे वार्ड में जो 61 नंबर वार्ड है, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं कोई भी कास्ट के हो, वो बाबूलदा को देख करके वोट दिए हैं। बाबूलदा को इसलिए वोट दिए हैं क्योंकि बाबूलदा नेक्स्ट बार जो मंत्री थे उस बार बहुत अच्छे काम किए हैं और उनसे और उम्मीद है कि और अच्छे से काम करें, है ना। कुलटी का जिक्र था, क्या लगता है कि आप कुछ होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? कुलटी में बहुत सारा बदलाव होने वाला है, जो हमारे दादा बोले हुए हैं, दादा जुबानी दिए हुए हम लोगों को कि जीतने के बाद कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं करेंगे। दादा हर काम में हाथ देंगे, दादा हर काम में सहयोग करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो दादा नहीं करते। मैंने पब्लिक डेवलपमेंट के लिए हर काम आप लोग वो करेंगे। मेरे साथ मनोज मिश्रा साहब भी है जिनका ताल्लुक सतरामपुर से, और हम लोगों ने देखा इस बार सतरामपुर से काफ़ी वोट कन्वर्ट हुआ बीजेपी में। क्या आपको उम्मीद था कि सतरामपुर वाले इतने वोट आपको मिल पाएगा? हमारा वार्ड 19 है, जिसमें बिहारी बंगाली प्लस मुस्लिम तीनों का कॉम्बिनेशन समान है, फिर भी हमारा वार्ड भाजपा बहुल वार्ड है। वहाँ से हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से अपने काउंसिलर को जिताया जो कि आगे चलकर तृणमूल के हो गए। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन था इसके पहले, उसमें भी हम लोगों ने भाजपा को भारी मतों से लीड दिया। इस बार हम लोगों ने बाबू सुप्रियो जी को जिताने के लिए 2400 वोट से अपना वार्ड से लीड कराए हैं। मैंने क्या लगता है वहाँ के काउंसिलर को लोगों ने नकार दिया? काउंसिलर एकदम निकम्मा काउंसिलर है, उनको ना कोई जाता है तो ना पेपर पर साइन करते हैं, ना कोई विकास कार्य करते हैं, अपना घर में 24 घंटा सोए रहते हैं। अगला इलेक्शन कुछ ही दिन बाद है कॉर्पोरेशन का, क्या लगता है उसमें फिर आप लोग बीजेपी को जीता रहे? काउंसिलर इलेक्शन में हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा अपना मेयर हो, भाजपा पूर्ण बहुमत से पूर्ण बोर्ड अपना गठन करे, यही हमारा लक्ष्य है। बीजेपी तो जीत गई है, बीजेपी तो जीत गई है, अब इनको अपना काउंसिलर बनाने के लिए क्या चीज़ चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जितना उम्मीद है कि तृणमूल अपना गुंडागर्दी में पूरे चरम से आएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रशासन जिस तरह से पहले उनका सहयोग करती थी अब शायद नहीं करेगी, और हम करने भी नहीं देंगे। कुलटी में 28 में से 22 से 23 हमें यहाँ पर लाने वाले हैं, और बाकी इस बार पूरे सातों विधानसभा ने साबित कर दिया कि पूरे बहुमत के साथ हम कॉरपोरेशन में गठन करने वाले हैं। सभी ने अपनी बढ़त दिखा करके साबित कर दिया है। पहले पहचान था कि भाजपा मतलब कुलटी, लेकिन आसनसोल साउथ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, नॉर्थ ने भी, रानीगंज ने, सब ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2020 में हमारा वोट बनेगा ही बनेगा। अंजय जी, ऐसा लगता है कि आप लोग तकबूर में डूब जाइएगा, जिस तरह बीजेपी का हम लोगों ने देखा कि उनको बहुत घमंड आ गया था, आप लोगों का ऐसा डर है? सबसे पहला बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप के बारे में बोलता हूँ कि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब अपने घरों से परिपूर्ण है, हमें राजनीति से पैसा कमाने की दरकार नहीं है। हमारे गार्जियन या हमारे पूर्वज इतने कर दिए हैं कि दो वक्त की रोटी हमें मिल जाती है। हम लोग राजनीति में उतरने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाने जाएंगे, राजनीति में उतरने का मतलब हमारा मकसद यही है कि हम सोशल वर्क करेंगे, गरीब को मदद करेंगे, असहाय कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको मदद करेंगे, देश हित में काम करेंगे। तृणमूल वालों को जैसे नहीं, हम राजनीति में आ गए हैं अब हम दुश्मनी का बदला लेंगे, हमारे साथ पुराने समय में ऐसे हुआ था, अब हम भी ऐसे करेंगे, मार करेंगे, काट करेंगे, महिलाओं को रेप करेंगे, शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे। दूसरी बात है कि कुलटी के जनता बहुत ही आक्रोशित है। हमारे जब CPM का राज यहाँ पर था तो उस समय बंशोगोपाल चौधरी जी ने बोला था कि पानी के लिए 34 करोड़ रुपया आया हुआ है, 34 करोड़ रुपया आया हुआ है, और हमने उज्ज्वल चटर्जी विधायक जी को ये पैसा कुलटी में घर घर
घर घर पानी पहुंचाने के लिए दिया हुआ है, और उज्ज्वल चटर्जी ने आरोप लगाया कि ये जो फंड था ये वापस दिल्ली चला गया। लेकिन मैं नहीं मानता हूं, इस बार की जनता जो कुलटी के वो बहुत आक्रोशित है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कुलटी के बहुत एरिया में पानी की किल्लत है, पानी का दिक्कत है, क्या लगता है हल हो पाएगा पानी का मसला? पानी का मसला एकदम ऑब्वियसली सोल्यूशन होगा, क्योंकि दादा जो 950 करोड़ सेंट्रल से ला करके जो दिए हैं कुलटी में, तो कुलटी में अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सेंट्रल का ही देन है। ने लोगों से हम लोगों ने मिले, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन फॉर्म बांट दी है, लेकिन अभी तक पानी का इंतजाम नहीं हो पाया। देखिए ये जो प्रतिक्रिया है ये अपने तरह से सिर्फ वोट को कलेक्शन करने के लिए कॉर्पोरेशन कर रहा है, लेकिन जब आप इनके भीतर जाइएगा तो आपने देखे होंगे कि जितना भी पानी का टंकी है, जहाँ भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं पूरा कुलटी ब्लॉक में, तो आप देखिएगा टंकी का ऊपर पानी, जहाँ पानी का जो जल स्तर जहाँ टंकी बनाया जा रहा है वहाँ पे अमृत योजना के तहत ये पानी दिया जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोगों को बुड़वक नहीं बना सकते। नहीं, वो तो हम लोगों ने देखा है, लोगों ने आपके साथ आपको वोट दिया। अच्छा शंकर जी, आप तो जीत चुके, इसके बाद क्या प्रोग्राम आप लोग का? जीतने के बाद अभी तो हम लोगों को अपना पहले जीत का जश्न ही अभी तक 5 दिन तक हम लोग मनाते रहेंगे, 30 तारीख तक, फिर हम लोगों के दादा आएंगे वहाँ से शपथ ग्रहण करके, उसके बाद हम लोग दादा के साथ में यहाँ पर जश्न मनाएंगे, उनके बाद अपने अपने वार्ड में काम की प्रतिक्रिया में लग जाएंगे, और ये जो यहाँ के वार्ड काउंसिलर, हर जगह के वार्ड काउंसिलर और MLA मेयर जितेंद्र तिवारी जी लोग, ये जो सब मिल करके हमारे दादा को पछाड़ना चाह रहे थे, ये किन्हीं से हुआ नहीं। एक दादा हमारे बाबुल दा को पछाड़ने के लिए यहाँ पर मेयर हो तो दासुदा हुए, पूरा TMC का जितेंद्र तिवारी हुए, उसके बाद उज्जल चटर्जी हुए मंत्री, कोई ऐसा मंत्री नहीं जो हमारे दादा को पछाड़ने के लिए कोई भी ऐसा कसर छोड़े हो, लेकिन ये चारों मिलकर के भी दादा को पछाड़ नहीं पाए, और वो जीते हैं। और वो हमारे दादा जीत करके अपना जीत का सहरा पब्लिकों के ऊपर। रात क्या हो गया अचानक, लोगों ने क्यों नकार दिया TMC को? 25 वार्ड TMC क्यों हार गई, इसका कारण क्या लग रहा है? TMC से कहां चूक हुआ? जब गिदड़ की मौत आता है तो शहर के तरफ भागता है, इसको हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण है तृणमूल के काउंसिलर, जिस क्षेत्र में जिस अहंकार उनका इतना चरम तक पहुंच गया है कि जिस जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा का संगठन मजबूत है, तो उस क्षेत्र में वो उन्होंने पानी बंद कर दिया। जैसे बेजडी ग्राम में, हमारे 74 नंबर वार्ड के बेजडी ग्राम में काउंसिलर ने, उन्होंने कहा वहाँ हरि कीर्तन हुआ, लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें पानी चाहिए, यहाँ हरि कीर्तन हो रहा, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर भाजपा का वोटर ज़्यादा है, हम यहाँ पानी नहीं देंगे, उन्होंने डायरेक्ट कहा। और वहाँ पर आप महानगर निगम का टैक्स ले रहे हैं, महानगर के नाम पे आपने हजारों करोड़ की लोन लिए हैं, और आपका नियम, आपका दायित्व बनता है कि हर जगह हर वार्ड में आपको पानी देना है, अगर आपका पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है तो आपको टैंकर से पानी देना है, लेकिन वो पानी नहीं दे रहे जहाँ पर भाजपा का वोट ज़्यादा है, और जहाँ पर तृणमूल का वोटर है वो पानी दे रहे हैं वहाँ पे, तो लोग तो देख रहे हैं, लोग आपका आक्रोश है, और उन्होंने अपने ये बहुत बड़ी कारण है लोग आजकल जो बच्चे, तो ये तो एक चीज हो गया, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ी कारण यही है, कुलटी पूरे पानी से त्रस्त है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना पढ़ाई को छोड़ करके आप सुबह को बाईपास में जाकर देख लीजिएगा, इसको बाईपास में सब एक लाइन से साइकिल लेकर के पानी भरने जाते हैं, वो अपने पढ़ाई का क्या टाइम देंगे और ये पानी भरने में क्या टाइम देंगे? लीड हुआ इसमें पानी का भी इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, पानी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस जो भाजपा का ये तृणमूल का ये जो पराजय हुआ इसमें कुलटी में सबसे ज्यादा मेन कारण यही पानी है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आसनसोल वासियों को, तो उन्होंने भाजपा के ऊपर विश्वास किया और भाजपा को मतदान किया और हमारे बाबुल दा को जीत दी, और मैं पूरे आसनसोल वासियों को बोलना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, अगर आपको किसी तरह का ऐसी कोई दिक्कत हो हमारे कार्यकर्ता से संपर्क करें, हम तृणमूल पार्टी वालों जैसे नहीं हैं कि हम आपके साथ बदला लेंगे, बदला का भावना रखेंगे, कोई हीन काम करेंगे, एकदम निश्चिंत होकर के पॉजिटिव सोच रखिए, हमारे तक आइए, हम आपकी मदद करेंगे, सोशल काम के लिए हम लोग हर तत्पर आगे रहेंगे।